Hello everyone, welcome to my channel's VS Education Shop. Today I am here to discuss IBPS clerk mains 2019. जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपके एग्जाम्स 19th of January 2020 को एग्जाम्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जनवरी माह के देखिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे, सर जीके की करंट जीके से रिलेटेड कब तक क्वेश्चंस आपको एक तरह से कह सकते हैं एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली फॉर 15th of January 2020 तक आपका करंट अफेयर्स पूरा प्रिपेयर होना चाहिए। उसी से आपके उससे यानी कि 16th और 17th के करंट अफेयर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, 15 तक ही आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो जनवरी का जो अभी मंथ जो जनवरी चल रहा है उसके जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं 1 जनवरी से लगाकर आपके 15th ऑफ जनवरी तक जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपके लिए बना दिया है। तो इस वीडियो में ओनली फॉर वही डिस्कशन करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, अगर किसी क्वेश्चंस का आपको आंसर्स लगे कि रॉन्ग है, इसका आंसर सर आपने रॉन्ग बताया है एंड क्वेश्चंस रॉन्ग हो, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टाइप कीजिएगा सर इसका आंसर रॉन्ग है, इसका एक तरह से क्वेश्चंस भी रॉन्ग है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेशंस को। इस वीडियो में ओनली फॉर पीडीएफ के माध्यम से, पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है, किस से डाउनलोड करना है, कैसे मिलेगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, प्लीज सेशंस को शेयर कर दें एंड देन सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को, ताकि इस टाइप के आपको वीडियो एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो सके, वो इस टाइप के वीडियो तुरंत आपको मिलते रहें। एंड देन अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दें, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हो पाए। बहुत टाइम लगता है माय डियर स्टूडेंट्स क्रिएट करने में, सेशंस को क्वेश्चंस बनाने में, तो प्लीज़ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेशंस को अच्छे से लाइक करें। ओके, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन से, और एक और वन मोर थिंग्स मैं आपको बता दूं, और अलग वीडियो भी मैंने अपलोड किए थे, लगभग आपको 100 क्वेश्चंस ही हो गए, पहले भी मैं क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूँ, करीबन करीबन आपके 350 क्वेश्चंस करीबन करीबन टोटल्स में अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल्स पे। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं है अभी मैं बताऊंगा आपको, थंबनेल भी बता दूंगा कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वह क्वेश्चंस भी सारा कुछ आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो में। ओके, तो प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक, बने रहिएगा, पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है ये वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। ओके, पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है एग्जाम से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड आपकी इंपॉर्टेंट चीज भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज फॉर जनवरी माह, ये याद रखिएगा जनवरी माह पे, यानी कि 1 जनवरी से 15th ऑफ जनवरी तक ये सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ओके, अच्छे क्वेश्चन से पीडीएफ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज बता दीजिएगा। ओके, एक देखिए, एक 150 क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ लगाया था, अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो वैलन को 200 का एक पीडीएफ था प्लस 150 का ये एक पीडीएफ है, यानी कि टोटल्स आपके 350 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, एंड प्लस 100 का जनवरी माह का क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी गारंटी है आपको ये क्वेश्चन करके जाइए, इसमें इसमें से आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि एकदम एज इट इज डिटो क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर नहीं डाउनलोड हुआ है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, आपके पास ओनली फॉर 2 डेज हैं, 2 डेज में आप यही कर सकते हैं, रिविजन्स कर सकते हैं, अदर्स न्यू चीज़ कोई नहीं, पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, जो आपके पास है उसका रिविजन्स कीजिए 2 दिन में, बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, ये पार्ट 2 है, अगर नहीं आप डाउनलोड किया तो बता दीजिएगा मेरे को। ओके, अब देखिए, आइए मैं बुक्स बता देता हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट दिसंबर मंथ की इंपॉर्टेंट बुक्स है, एग्जाम्स में बन सकती है, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, द हिंदू वे, ये बुक मैंने डिस्कशंस कर चुका हूँ, जो आपके जो इवनिंग वाले क्लासेस हैं उसमें मैं डिस्कशंस कर चुका हूँ। देखिए, पीडीएफ में एक पीडीएफ आपका एक सोर्सेज कह सकते हैं, आपको एग्जाम्स पहले इस पीडीएफ को पढ़ना है, क्लासेस आप देखते हैं तो आपको उसमें ऑप्शंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड मिलती है, तो वह भी आप क्लासेस इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द पीडीएफ। पीडीएफ आपका एक रिविजन्स के लिए बेटर है। ओके, तभी आपको क्लासेस के बाद पीडीएफ दी जाती है, ताकि आप रिविजन्स कर सकें उनका। ओके, नेक्स्ट आइए, देखिए बुक्स मैंने इसलिए दी है क्योंकि एग्जाम्स में बुक्स का एक क्वेश्चंस आपके बन सकता है, एक नंबर का क्वेश्चंस आपके बन सकता है बुक से रिलेटेड। ओके, द हिंदू वे, शशि थरूर, राइट, दिसंबर मंथ की इंपॉर्टेंट मानी थी तो मैंने दिसंबर मंथ की ही ली है। ओके,
और ये आपके प्राइम मिनिस्टर्स टू रिमेंबर, ये आपके एडमिरल सुशील कुमार ने लिखी थी। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, याद रखिएगा, बिल गेट्स ने लिखी थी। द अनक्वाइट रिवर, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, रिवर है, उसके बारे में अरूप ज्योति साहिक का, ओकी गर्ल्स वुमेन्स एंड अदर्स बर्नाडियंस एवरेस्टो, ये आपके लिखी थी, आपके बर्नाडियंस एवरेस्टो ने लिखी थी। गर्ल्स वुमेन्स अदर, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक्स है सारी की सारी। ओके, ये मत कीजिए सर जनवरी का दे रहे हो, लेकिन आप दिसंबर की बुक बता रहे हो। देखिए एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट देखिए, ये ड्रीम ऑफ ए बिलियंस, ये आपकी बोरिया मजुमदार ने लिखी है, राइट। ट्रबुलेंस एंड ट्राइम्स द मोदी ईयर्स, यानी कि राहुल अग्रवाल्स एंड भारती अश प्रधान, ये आपका एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है, गारंटी से बन सकता है। आर एन काउ, जेंटल्समैन स्पाई मास्टर्स नितिन गोखले, राइट। श्रीदेवी द इंटरनल स्क्रीन स्क्वाडन, ये आपके सत्यार्थ नायक ने लिखी थी किताब, ओके, श्रीदेवी के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स थी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि हाँ सर अच्छा लगा। ओके मम्मी, चलते हैं, आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। देखिए ये ओनली फॉर जनवरी माह के हैं, ऐसे मत कीजिएगा सर दिसंबर के भी, जनवरी ओनली फॉर जनवरी, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आपके सारे के सारे क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चन से एग्जाम्स में आप खुद पढ़ेंगे पूरा का पूरा पीडीएफ, तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ओके पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पहले प्रकार के कछुए पुनर्वास पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था। मैंने बहुत बार डिस्कशंस करता है, अगर रेगुलर क्लासेज है तो उसमें भी मैंने बहुत बार डिस्कशंस किया है, अगर आपको मालूम होना चाहिए। ओके तो ये बिहार के भागलपुर में स्थित है, हाइट 500 500, करीबन करीबन 500 आपके एक साथ इस पुनर्वास केंद्र में कछुओं को आश्रय दिया जा सकता है। तो आपको एग्जाम्स में 500 भी पूछ सकता है कितने कछुओं को, तो 500 की ये भी याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना चौथा क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्पेस कहाँ स्थापित किया है, तो ये आपके नंदन सरुत्कला कर्नाटका में, सरुत्कला कर्नाटका में, और कर्नाटका से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ कॉफी समिट, कर्नाटका के बैंगलोर में कॉफी समिट भी आयोजित किया जाएगा 2020 वाला। ओके ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इंपॉर्टेंट जो आपकी मैंने बताई थी, ये आपकी मैंने कटिंग्स भी लगा दी है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनता है तो मैंने कटिंग्स भी इसमें दे दी है। ये आंध्र प्रदेश रिलेटेड देखिए, आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश, एग्जाम्स में जाने से पहले सेकंड आपके उड़ीसा, राइट, सेकंड आपके उड़ीसा, ये दोनों स्टेट उड़ीसा सॉरी उड़ीसा दोनों स्टेट की आप योजनाएं, वहाँ की जो स्कीम्स हैं, राइट, वहाँ की गवर्नमेंट के जो आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर हैं, ये सारा कुछ, और स्कीम भी ऐसे मत कीजिए, आरोग्य श्री स्कीम्स है इसका नाम, ये आपके YSR है तो आंध्र प्रदेश की, नॉट एट ऑल, ये किस से रिलेटेड है, किस बेसिस पे किसको काम देगी, किसानों के रिलेटेड है या आपकी नौजवानों की यंगस्टर के बेसिस पे है, चिकित्सा के बेसिस पे है, ये सारा कुछ भी आपको पता होना चाहिए, राइट। इस स्टेट की आपके जो फेस्टिवल्स हैं, जो कौन कौन से फेस्टिवल्स ये बनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ चुके जाना है, तभी आप एग्जाम्स में इनमें से करीबन करीबन 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं इन स्टेट्स में से। ओके बहुत सी स्कीम्स लॉन्च की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, ये भी आप याद रखिएगा। राय तो भरोसा आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। घर घर मिट्टी पहुंचाने की योजना भी इसकी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की है, ये भी याद रखिएगा। और पहला, राइट, फर्स्ट वुमेन्स कोर्ट भी आपके आंध्र प्रदेश में ही खोला गया है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट्स थे मैंने आपको बता दिया था। ओके अब आधा इसकी स्कीम है उड़ीसा की, ओके ये भी आप याद रखिएगा। जल साथी है जो भी आपका जल साथी है जो किसानों के लिए है, वह भी उड़ीसा की गवर्नमेंट की ही स्कीम्स हैं। ओके याद रखिएगा, आई होप सो गाइस क्लियर हो रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तक पहुँच पाए जिनका एग्जाम्स है। ओके नेक्स्ट आइए, 1 जनवरी देखिए, 1 जनवरी 20 किन दो देशों में परमाणु प्रतिष्ठान की सूची प्रदान की है, तो आपके इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन जनवरी 20 में नेत्रहीनों के लिए खेल के आयोजन कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ आयोजन किया जा रहा है, तो ये आपके न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ओके मानव थक्कर बहुत इंपॉर्टेंट, मानव थक्कर दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, इंपॉर्टेंट है, मानव थक्कर का भी नाम याद रखिएगा। और दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा है, तो ये आपके टेबल टेनिस यानी कि TT से जुड़ा है आपके मानव थक्कर। ओके
दोनों नाम याद रखे ना, याद रखिएगा, पीएच पांड्यन, राइट, पीएच पांड्यन पास्ट रिसेंटली। वह किस राज्य के पूर्व विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, एक तरह से अध्यक्ष थे, तो यह तमिलनाडु गवर्नमेंट यानी कि तमिलनाडु स्टेट्स के ये पूर्व विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। ओके, किसने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड जीता है? ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड किसने जीता है? तो नहीं, आपकी ये जीता सुचिता सतीश ने। ये 120 लैंग्वेज में सॉन्ग गा सकती है, 120 लैंग्वेज में, तो तभी इसी को, तभी इनको प्राइज दिया गया है, ये ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड। जो कि वर्ष 2019 में दुबई ग्लोबल साकर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की किताब में किसे सम्मानित किया? पुरुष खिलाड़ी, माय डियर स्टूडेंट्स, मेल का पूछा है मैंने, और अगर आपने रेगुलर सेशंस देखे हैं तो मैंने फीमेल्स का भी बताया था, और इसमें बताया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितनी बार ये प्राइज़ जीता है, तो ये छठी बार इनका प्राइज़ है, और फीमेल्स मैंने आपको बताई थी, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, देखिए पीडीएफ आपको, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, देखिए मैंने स्क्रीन भी लगा किए। ओके, ये भी आप देख सकते हैं, टीएन चतुर्वेदी, राइट, जो किस राज्य के राज्यपाल थे? यह कर्नाटक के राज्यपाल थे, कर्नाटक के अभी करंट में वजूभाई वाला है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा, येदुरप्पा वहां के कई चीफ मिनिस्टर्स हैं। ओके, सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, 17, 18, ये पूरे क्वेश्चंस मैं आपको डायरेक्ट 100 क्वेश्चंस पर लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, बीच में देखिए ये कटिंग्स भी लगा रखी है, जो इंपॉर्टेंट है ये देखिए, खेलो इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आपकी स्क्रीन्स पे हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, 100% चांसेस है, 100% क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बनेगा आपका एग्जाम्स में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण, जो फर्स्ट एडिशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो उड़ीसा, मैंने कहा था उड़ीसा से रिलेटेड सारे फैक्ट्स पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का कहाँ आयोजित होगा? ये आपके उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। ओके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, विश्व ब्रेल दिवस, ये आपके 4 जनवरी को बनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। ओके, ये फुटबॉलर की मैंने कटिंग्स भी लगा रखी है, इससे मैंने क्वेश्चंस क्रिएट किया था, ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। ओके, प्रूफ के साथ मैं प्रोवाइड करता हूँ क्वेश्चंस, अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशंस अभी तक, यहाँ सर कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज सेशंस को लाइक कर दें अच्छे से। ओके, कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी क्वेश्चंस आपको लगे कि रॉन्ग है, तो टाइप कर सकते हैं कि इसका आंसर रॉन्ग दिया है सर आपने, मैं उसका वापस आपको प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से। ओके, देखिए अभी मैं आपको पीडीएफ बताता हूँ, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स बताने के बाद, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम्स से नहीं डाउनलोड हो रही है। ओके, 76, 77, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, यहाँ पर मैंने थीम भी लिख दिए, थीम भी, ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ये पढ़े तो वो थीम भी आपको दिख सके, एग्जाम्स में थीम पूछा जा सकती है। राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 12th of January, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आज के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ओके, किस राज्य ने जनवरी अम्मा मोड़ी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अम्मा मोड़ी योजना, ये आंध्र प्रदेश की योजना है। देखिए आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों स्टेट अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चंस देखिए, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसे लगे कि हाँ सर क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेवल आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे टाइप करें। ओके, ये 100 क्वेश्चंस हो गए आपके, 101, 102, टोटल्स आपके 100+ ही क्वेश्चंस हैं, कम क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है, राइट। SCO समिट में इसको, SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसको शामिल किया गया है कि 182 मीटर इसकी हाइट है। और ये आपके मौसम विभाग, ये कल के क्वेश्चन से, कल मैंने डिस्कशंस किए थे, वो सारे क्वेश्चन इसमें एक तरह से मैंने डाल दिए हैं, ताकि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अच्छे से रीडिंग हो सके। लगभग इसको 5 से 6 टाइम्स आप पढ़ेंगे तो आपको रिविजन अच्छे से हो पाएगा, एग्जाम्स में 100% इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके जी, अब देखिए पीडीएफ में आपको बता देता हूँ, पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपका लिंक अवेलेबल रहेगा। अगर कोई भी लिंक ना हो किसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बेसिस पे, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, सर पीडीएफ हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपको पूरा डिटेल्स में समझाया है, अगर समझ में आया आपको कि हाँ सर समझ में आ गया अच्छे से, तो प्लीज़ सेशंस को लाइक कर दें।
प्लीज़ प्लीज़ सेशंस को लाइक कर दें। आप खुद देख सकते हैं कितनी मेहनत से बनाया गया है। लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कोई भी आपकी क्वारी हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, बिल्कुल टाइप कर सकते हैं, बेझिझक आप टाइप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच, एंड अप करते हैं सेशंस को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।